हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल मित्तल, असिस्टेंट ट्रेनर। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसे कि कल कुछ लोगों के कमेंट आए कि मैं प्रीति जी को फर्स्ट डे कार ड्राइव करवा रहा था, बट कुछ लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये फर्स्ट डे चला रही है। हाँ, तो प्रीति जी कल आपने, आपका कौन सा डेज था? फर्स्ट डे था। तो आप बताएंगे जरा दर्शकों को कि कल आपका फर्स्ट डे था या आपने इससे पहले चलाई है गाड़ी? मैंने इससे पहले ड्राइविंग सीट पे बैठा है लेकिन ऐसा चलाई नहीं, और मेरा यहाँ पर फर्स्ट डे था। कल इनका फर्स्ट डे था। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना कि इससे कोई एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होता है, कुछ लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ लोगों को टाइम लगता है। और कल रियली इनका फर्स्ट डे था और इन्होंने बहुत अच्छी कार ड्राइव करी। आज इनका सेकेंड डे है, तो आज भी मैं इनकी वीडियो शूट करूंगा आप लोगों को दिखाने के लिए कि फर्स्ट डे और सेकंड डे में फ़र्क क्या होता है। और ऐसा नहीं, जो भी वीडियो बनाई जाती है वो जेन्युइन वीडियो होती है, कोई फेक और कोई एडिटिंग नहीं होती। मैं जो भी वीडियो डालता हूँ जेन्युइन वीडियो डालता हूँ, एकदम स्ट्रेट जाना है हमें निशादगंज की तरफ। तो फ्रेंड्स, आप खुद देख सकते हैं। और जिन जिन लोगों ने कमेंट किया था, ठीक है, आपका कहना सही है, क्योंकि लोगों का एक एक महीने में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और मैंने इनको फर्स्ट डे में इतना अच्छा चलवाया, इन्होंने चलाया क्योंकि फर्स्ट डे। अब वो पहले से इन्होंने चीज़ों को समझ रखा था, गियर क्लच ब्रेक वगैरह लेफ्ट लेना है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप भी उसको कर सकते हो। और जैसे कुछ लोगों ने कहा ना कि फर्स्ट डे में पॉसिबल ही नहीं है, हो सकता है इससे भी बेटर हो सकता है। आप वीडियो से देख सकते हैं, पहले से थोड़ा बहुत आइडिया लेकर के आप ड्राइव कर सकते हैं। वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलती है और मैडम ने काफ़ी वीडियोस भी देखी है जिससे कि कॉन्फिडेंस है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना कि चीज़ों को बहुत जल्दी कैच कर जाते हैं, जैसे प्रीति जी हैं। अभी इससे पहले एक रचना मैम आई थी, वो भी 5 से 7 डेज़ में अपनी कार कानपुर लेके चली गई थी। 5 से 7 डेज़ में उन्होंने कार कानपुर लेके खुद चली गई थी। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के कमेंट ये भी होते हैं कि लेडीज़ बहुत बेकार चलाती। नहीं, सोच आपकी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेडीज़ भी बहुत अच्छी कार ड्राइव करती हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। थोड़ा कमेंट करने से पहले आप सोचें, फिर उसके बाद कमेंट करें। और अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले रेड बटन दबा के, और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर ले और वीडियो का पूरा आनंद लें। जैसे कि आज आपका सेकंड डे है, तो कल क्या क्या सीखा था आपने? फर्स्ट सेकंड गियर पे चलाया था। कल फर्स्ट और सेकंड गियर में चलाया था, आज क्या करने वाले हैं? आज वैसे तो रूट ही चेंज है, क्योंकि कल हम लोग मुंशी पुलिया वाले रूट पे थे, आज हम लोग निशादगंज वाले रूट पे, तो ये सिंगल रोड है, ठीक है ना? तो इस पर टू वे है, जाना आना एक ही रोड पे है, तो थोड़ा ज़्यादा अलर्ट होना पड़ता है, हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। बाकी डबल रोड पे क्या होता है कि जाने का अलग है, आने का अलग है, तो सामने से गाड़ियों का खतरा नहीं रहता है। बट इसमें क्या है कि हमें सामने वाली गाड़ियों से भी बचना है, कुछ लोग लेफ्ट से ओवरटेक करने लगते हैं उनसे भी बचना है, तो हमें इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी अभी गाड़ी कौन से गियर में है आपकी? सेकंड गियर में। स्पीड मेंटेन करिए। थर्ड गियर के लिए स्पीड कितनी होनी चाहिए? 30 to 40। वेरी गुड, जाने दीजिए, थर्ड गियर लग गया, स्पीड बढ़ा लीजिए, हॉर्न मारिए। थर्ड गियर में आप कितनी स्पीड में चल सकती हैं? 30 to 40, मिनिमम 30, मैक्सिमम 40। गुड। किसी को अगर अलर्ट करना है तो कितना पहले हॉर्न देंगे आप? 50 से 100 मीटर, है ना? सामने ट्रक आ रहा है, ध्यान रखिएगा, स्पीड बढ़ा के लेते रहिए आराम से। बस जगह को जज कर लीजिएगा कि कितनी जगह में मेरी कार निकल जाएगी, बाकी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। स्पीड मेंटेन कर लीजिए। और अगर थर्ड गियर में आप चल रहे हैं और अगर गाड़ी की स्पीड आपकी आ गई 20, तो आपको सेकंड गियर, अगर सेकंड गियर नहीं डालना चाहिए, गाड़ी लड़खड़ाएगी। वेरी गुड। अगर हम सेकंड डाल के वापस स्पीड मेंटेन कर लेते फिर चाहे थर्ड डाल लें, तो गाड़ी वापस अपने फ्लो में आ जाती है। तो ऐसा ही हमेशा करना चाहिए। अगर हाँ खाली रोड है सामने कोई, आप अगर थर्ड गियर में 20 की स्पीड आई, सामने स्पेसेस है, तो आप हल्का सा एक्सेलेटर दबा के स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, थोड़ा सा क्लच दबा के, जिससे कि गाड़ी का गियर नहीं चेंज करना पड़ेगा और आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी। ये सिंगल रोड है, यहाँ पे पासिंग डिपर का भी इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, इसको ऊपर की तरफ, हाँ ऊपर है, ये एक बार और करिए। हाँ, ये ऊपर की तरफ जब आप उसको पुश करते हैं ना, तो हेडलाइट ऑन ऑफ होती है,
मतलब अभी डे है, लाइट ऑफ है, फिर भी वो पासिंग डी पर डायरेक्टली होता है ऑटोमेटिक ही। उससे क्या होता है, सिंगल रोडों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सामने से आने वाली गाड़ियों के लिए होता है पासिंग डी पर, कि उनको जब हम पासिंग डी पर देते हैं तो उनकी आंखों आपके कल यूट्यूब चैनल पे देखा था, एक किसी सर ने लिखा था कि विश्वास ही नहीं हो रहा है, फेक वीडियो है। हाँ, वो मुझे भी थोड़ा ऑड लगा था, फेक वीडियो नहीं है, आप लोग ध्यान से कमेंट किया करिए, फर्स्ट डे ही था मेरा वो, फर्स्ट डे कई लोगों ने उस पर कमेंट किया है। कल एक लोग ने मेरे पास कॉल भी किया था नासिक से कि सर ऐसे हम तो एक महीने से सीख रहे हैं, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आया है, एक महीने से सीख रहे हैं और आपने फर्स्ट डे में इतना कॉन्फिडेंट के साथ चलवा दिया। उसी भी आप पे मैं आज वीडियो ये अपलोड करूंगा कि लोगों को, हाँ, एडिटेड नहीं होगा, मुझे कुछ सिखाया नहीं गया, जेन्युइन, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो एडिट करता ही नहीं हूँ, मैं जेन्युइन ही डालता हूँ, सीधा जाना है। गियर डाउन कर सकते हैं आप यहाँ पे सेकेंड, हाँ वेरी गुड, जाने दीजिए। सिर्फ समझने की बात होती है फ्रेंड्स और माइंड को सेट करने की। आपको 95% जितने ड्राइवर मिलेंगे सब अंगूठे छाप मिलेंगे, अनपढ़ मिलेंगे। BMW, मर्सिडीज, ओडी, बड़ी बड़ी ट्रक्स, बड़े बड़े JCB ऑपरेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ समझने का और करने का फ़र्क होता है। हर कोई गाड़ी चला सकता है, ऐसा नहीं है। कार ड्राइव कर सकते हो, बाइक कर सकते हो, स्कूटी कर सकते हो, रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं नहीं, वही रॉकेट साइंस नहीं है, वाकई में रॉकेट साइंस नहीं है। टू व्हीलर से फोर व्हीलर इजी है। टू व्हीलर में आपको बैलेंस बनाना पड़ता है, अगर गाड़ी भिड़ गई तो आपको चोट लग सकती है। फोर व्हीलर में अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट होता तो आप सेफ हो, और कार में कोई बैलेंस नहीं बनाना पड़ता है। स्पीड बढ़ाइए थोड़ा, जाने दीजिए, वेरी गुड, और बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। हाँ, अभी मैं आज आपको थोड़ा फास्ट चलवाऊँगा गाड़ी। दोस्तों वीडियो पूरे ध्यान से देखिएगा, ताकि फिर ये कमेंट नहीं आना चाहिए कि ये फेक वीडियो है या पॉसिबल नहीं है। अभी ये गाड़ी चल रही है 40 की स्पीड में और गियर लगा हुआ है थर्ड, डेज है सेकंड, नाम है प्रीति, पूरा नाम बताइए, प्रीति सिंह। कहाँ से आते हैं आप? जानकीपुरम से। दोस्तों देखते रहिएगा ये वीडियो, इनकी कंटिन्यू 15 डेज तक बनेगी। अब आज तक मैंने किसी स्टूडेंट की 15 डेज तक वीडियो कंटिन्यू नहीं बनाई, बट मैम की वीडियो में फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, डेली का मतलब जो भी इस्टीमेंट होगा, डेली क्या कॉन्फिडेंस इनका रहता है और कितना परसेंटेज ये सीख पाए हैं, वो मैं डेली अपलोड करूँगा, फीडबैक देता रहूँगा। स्पीड बढ़ा लीजिए। हाँ, आगे से ये गोल चौराहा है आपका महानगर का, क्लासिक रेस्टोरेंट से, यहाँ से हमें लेफ्ट जाना है, तो उसके लिए आपको लेफ्ट का सिग्नल देना पड़ेगा, वेरी गुड, और राइट वाला पैर ब्रेक पे आ जाएगा कुछ सेकंड के लिए। गियर डाउन कर लेना है क्लच दबा के, सेकंड, वेरी गुड। स्पीड डाउन कर लेना है, थोड़ा सा सामने खड्डा है और लेफ्ट, गुड, जाने दो, ये फोर्थ गियर हो गया है। हाँ, क्लच दबा के सेकंड, हाँ लेफ्ट ला के पूरा न्यूट्रल करिए, हाँ न्यूट्रल बीच में, अब लेफ्ट लाइए, हाँ ये सेकंड है, जाने दीजिए, गुड। वो होता है क्या है ना कि हल्का सा अगर लेफ्ट दबाया और हल्का राइट चला गया तो वो फोर्थ गियर हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी फिर आपकी झटके मारने लगेगी, क्योंकि गियर था, स्पीड है सेकंड की और स्पीड हो गई है फोर्थ गियर की, तो उसको चाहिए चौथे गियर की 40 की स्पीड, यहाँ पे स्पीड आपकी 20 थी, तो वहाँ पे गाड़ी जर्किंग करेगी। स्ट्रेट जाना है हमें, सीधा फैजाबाद रोड, चारों तरफ नज़र मारना है, क्योंकि ऐसे सुबह के टाइम रोड खाली होता है तो एक्सीडेंट के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बढ़ाते रहिए स्पीड, वेरी गुड, सामने स्पीड ब्रेकर है उस पर ध्यान दीजिएगा, हाँ गुड, बहुत बढ़िया, नाइस। अब निकाल लीजिए वापस, स्पीड मेंटेन कर लीजिए। अगर रास्ता गड़बड़ है तो वहाँ पे आप गियर डाउन कर सकते हैं, और अगर रास्ता क्लियर है तो आप हल्का सा ब्रेक ले सकते हैं बगैर क्लच के। अगर थर्ड गियर में भी गाड़ी आपकी है तो आप स्पीड ब्रेकर पे आराम से थोड़ा सा स्मूथ करके निकाल सकते हैं, फिर स्पीड ब्रेकर आ गया, ये जाने दीजिए, गुड। आगे मेट्रो स्टेशन से फिर हमें लेफ्ट चलना है, ये बादशाह नगर का मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से हमें लेफ्ट जाना है पॉलिटेक्निक के लिए। आप फ्रेंड देख सकते हैं स्टीयरिंग कैसे पकड़ रखा है प्रीति जी ने, जो सही तरीका होता है ना स्टीयरिंग पकड़ने का, ये होता है प्रॉपर, इनका जो अंगूठा है वो ग्रिप में है, फिंगर इनकी खुली हुई है ना कि बंधी हुई, जिससे कि स्टीयरिंग एकदम मक्खन की तरीके से चलता है, एकदम स्मूथ। कुछ लोग इसको इतना हार्ड पकड़ लेते हैं कि घुमाने की बजाय इतना टाइट कर लेते हैं कि स्टीयरिंग वो घूमता ही नहीं है, हमें उनके हाथ से छीनना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि ऑलरेडी इन्होंने समझ लिया, अपने ब्रेन में उसको स्टोर कर लिया और वही चीज़ अप्लाई कर रही हैं।
और मेरा कोई क्लच ब्रेक पे पैर नहीं, ना तो मैं स्टीयरिंग पकड़ रहा हूँ, ना तो मैं कोई गियर अपने हाथ से लगा रहा हूँ, ना ही मेरा पैर है क्लच और ब्रेक पे। जो कर रही है प्रीति भी कर रही है। फिर वापस इन्होंने थर्ड गियर डाल दिया, गाड़ी की स्पीड की रिकॉर्डिंग से, गाड़ी के कंट्रोल की रिकॉर्डिंग से, गाड़ी रोड पे क्या सिचुएशन है, कैसे है, वो सारी चीज़ें देख के अपने हिसाब से ये मैनेज कर रही हैं। मेरा कोई क्लच ब्रेक पे पैर नहीं है, स्पीड ब्रेकर है आगे। हाँ, तो ये आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा सा कुछ वीडियोस देखने का आपको ध्यान देना पड़ेगा, कि अगर आप 5 से 10 वीडियोस पहले देख लेते हैं ड्राइविंग सीखने से पहले, तो शायद जैसे आज प्रीति जी चला रही हैं ऐसे आप भी फर्स्ट डे चला सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके नॉलेज में आ चुकी होंगी, आपके ब्रेन में बैठ चुकी होंगी कि कैसे कैसे किस चीज़ को इस्तेमाल करना है, तो आप अच्छे से कार को ड्राइव कर सकते हैं फर्स्ट डे। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, कोई भी सीख सकता है और कभी भी सीख सकता है, सीखने की कोई एज नहीं होती है। बाकी आपने मेरे चैनल पे देखा है 90 ईयर, 85 ईयर, 40 ईयर, 60 ईयर, हर तरीके के लोगों को मैंने ड्राइविंग सिखाई और आज चला रहे हैं, किसी न किसी मोड़ पे मिलते हैं। स्पीड ब्रेकर है, हाँ, वेरी गुड। अब इन्होंने सेकेंड गियर कर लिया अपने आप ही, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने सिर्फ कहा स्पीड ब्रेकर है। इन्होंने क्या करा, ब्रेक पे पैर लाई, स्पीड डाउन करी, क्लच दबा के सेकंड गियर कर लिया, फिर वापस इन्होंने स्पीड मेंटेन किया, थर्ड गियर डाल लिया, फिर गाड़ी की स्पीड मेंटेन कर रही है। तो ये इनको पता चल चुका है कि गाड़ी की स्पीड कौन से गियर की कितनी होनी चाहिए और कहाँ पर कैसे निकालना है। स्पीड बढ़ा लीजिए, हाँ, क्योंकि रूट थोड़ा खाली है। अपना कुकरेल बंधा है, यहाँ से सीधा स्ट्रेट जाना है आपको ऑनी टेक्निक से होते हुए और सीधा मेरे सेंटर पे। कुछ लोग होते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं, वो 5 से 7 किलोमीटर चला पाते हैं हाफ एन आवर में। कुछ जो फास्ट लर्नर होते हैं वो हाफ एन आवर के अंदर ही 10 किलोमीटर्स को कवर कर लेते हैं और उससे पहले। जैसे प्रीति जी का जो टाइम है वो 6:30 है, अभी टाइम हुआ ये देख सकते हैं 6:41, और लगभग इनकी कार 8 किलोमीटर क्रॉस कर चुकी है मेरे सेंटर से, और जिस रूट से ये आई हैं तो 8 किलोमीटर इनका लगभग क्लियर हो चुका है। तो अभी जिस रूट से मैं इनको लेके जा रहा हूँ तो लगभग मेरे हिसाब से 13 से 14 किलोमीटर इनका आराम से हो जाएगा। बट हाफ एन आवर या 10 किलोमीटर होता है पर स्टूडेंट का, बट आज मुझे फास्ट इनको इसलिए चलवाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ लोगों ने बात ऐसी कह दी है जिसकी वजह से मुझे डेली एक नहीं एक डेली वीडियो इनकी अपलोड करनी पड़ेगी। आज सेकेंड डे, कल थर्ड डे की 15 डेज में किन किन चीज़ों को आपने सीखा है। स्पीड बढ़ा लीजिए और आप पूरी तरीके से ध्यान से अपनी इनकी वीडियोज़ को देखिएगा, आपको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जाने दीजिए, वेरी गुड। अभी कौन से गियर में कार है आपकी? थर्ड गियर की। मिनिमम स्पीड मैक्सिमम? ओके, अगर अभी आप 30 की स्पीड में चल रहे हैं 40 की, और अचानक आपके सामने कोई कार आ जाती है, बाइक आ जाती है, कोई बंदा आ जाता है, तो आप क्या करेंगे? क्लच दबा के ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर न्यूट्रल पे डालने के बाद फर्स्ट गियर में डाल के वापस मूव करेंगे। अगर आप थर्ड गियर में उठाना चाहें तो क्या पॉसिबल है? नहीं उठेगी। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप अगर फास्ट चला रहे हैं और गाड़ी अचानक आपको किसी भी सडनली से रोकना पड़ रहा है, तो आप किसी भी गियर में क्लच दबा के ब्रेक दबा के गाड़ी को रोक सकते हैं, बट वापस उसको न्यूट्रल करके फिर जब आप उसको वापस मूव करेंगे तो फर्स्ट गियर में है, ठीक है ना। और सेकंड डे में मैंने कोई इनको ऐसा समझाया नहीं है, जो बेसिक चीज़ें सभी को बताता हूँ वो मैं इनको भी मैंने बताया, बट चीज़ें इतनी हैं कि ये कुछ ज़्यादा सीरियस हैं ड्राइविंग को लेके। होता है कुछ लोगों को होता है कि नहीं सीख जाएंगे, कुछ को होता है नहीं, मतलब फोकस पूरा गोल पे, मुझे करना ही करना है, तो इंटरेस्ट दिख जाता है स्टूडेंट का। और ऐसा नहीं है कि आप लोग आते हैं सीखने तो आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि यहाँ से हटके भी आपको थोड़ा चीज़ों को प्लान करना होता है। भूतनाथ मेट्रो स्टेशन है, इसके नीचे से सीधा स्ट्रेट जाएंगे, थोड़ा स्पीड आप बढ़ा लीजिए, हाँ, आप 40 तक आराम से जा सकते हैं, और अगर 40 प्लस चल रहे हैं तो आप राइट वाली लाइन में चलेंगे, जो राइट साइड वाली लाइन है, ठीक है। और अगर आप 30 माइनस चल रहे हैं तो आप बीच वाली लाइन में चल सकते हैं, क्योंकि जो भी ओवरटेक करेगा वो राइट से करेगा, और जब आप स्लो चलेंगे तो आपको दिक्कत, जब फास्ट चलेंगे तो राइट वाली लाइन में आप रख सकते हैं, सबसे किनारे रखो, एकदम सिग्नल देके राइट की तरफ धीरे धीरे दबा दो, गाड़ी जाने दो, वेरी गुड। अभी आप सिग्नल अपना बंद कर लो, और बिजी रोडों पर जब भी हमें लेफ्ट जाना है या राइट जाना है तो सबसे पहले लुकिंग ग्लास, साइड मिनर,
हमें देखना है, उसके बाद हमें सिग्नल देना है, फिर धीरे धीरे गाड़ी क्रॉस करना है, अचानक नहीं काटना है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, अचानक काट देते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लाइन चेंज करी जाती है। स्पीड बढ़ाइए प्रीति जी, और ये जो आपका ये बसेस जा रही है इससे थोड़ा पहले, अभी आपको लेफ्ट, धीरे धीरे गाड़ी लेफ्ट लेके जाना। पहले आपने सिग्नल दिया लेफ्ट का, उसके बाद साइड मिरर में देखा और ब्रेक पे पैर रखा, धीरे धीरे गाड़ी देखो कैसे गाड़ी जा रही, धीरे धीरे लाइन कैसे चेंज हो रही है राइट से, और कम से कम लेफ्ट आते आते इन्होंने 200 मीटर का गैपिंग ले लिया। तो इस तरीके से गाड़ी हमेशा लाइन चेंज करी जाती है। कुछ लोग अचानक काट देते, स्पीड ब्रेकर है, दो तीन ब्रेकर है, कौन से गियर में डालेंगे आप? सेकंड गियर में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्पीड ब्रेकर है, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़े बड़े तीन स्पीड ब्रेकर हैं। ये HL कॉलोनी है सामने, और यहाँ पे दोनों साइड में स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं। हाँ, स्पीड मेंटेन कर लीजिए। वापस स्पीड, कौन से गियर में डालेंगे ये? कौन से गियर में डाला? थर्ड गियर में। ओके, चलिए दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, स्पीड बढ़ा लीजिए। गुड, बगल में स्कूटी सिखा रहा था, जाने दीजिए। गुड, स्पीड कम, हाँ गड्ढे थे, जाने दीजिए। पौने टेक्निक चौराहे से वापस हम लोग को मुंशी पुलिया के लिए चलना है, इसी रिंग रोड से ही। और टर्निंग से कितना पहले सिग्नल देना होता है? मिनिमम 50, मैक्सिमम 100। अगर हाईवे वगैरह पे आप चल रहे हो तो 100 मीटर पहले, सिटी के अंदर हो तो 50 मीटर पहले। कुछ लोग क्या करते हैं, जब टर्न करने लगते हैं तो वो सिग्नल देते, तो राइट होता है या रॉन्ग होता है? गलत है, क्योंकि पीछे वाला तो ऑब्जर्व ही नहीं कर पाता है ना कि उसको करना क्या था, और आप एकदम सडनली से सिग्नल देते हैं और टर्न कर देते हैं। हमेशा टर्निंग से 100 मीटर पहले, 50 मीटर पहले सिग्नल, हॉर्न और साइड मिरर एडजस्ट करने के बाद ही हमें लाइन चेंज करनी चाहिए। अब यहाँ से धीरे धीरे लेफ्ट जाना है आपको, क्योंकि लाइन लेफ्ट चेंज करनी, तो उसके लिए आपने लेफ्ट का सिग्नल दिया। वेरी गुड, और धीरे धीरे लाइन चेंज करें। देख रहे हैं आप कैसे लाइन चेंज करी जाती है, अचानक नहीं काटा जाता है कभी, यहीं से लेफ्ट टर्न करना है, इधरी से हाँ, क्योंकि ये लेफ्ट जाने के लिए यही है, वो सीधा जाने के लिए, तो लेफ्ट का हमेशा ओपन रहता है। अगर हम लेफ्ट टर्न कर रहे हैं तो लेफ्ट की कोई रेड लाइट नहीं होती है, कुछ पॉइंट पे होती है, कुछ पे नहीं होती है। गाड़ी जैसे आपकी वाइब्रेट कर रही है, तो या तो आप स्पीड मेंटेन करिए या फिर सेकंड। तो अभी आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि सामने रास्ता क्लियर है, तो यहाँ पे आप स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। बढ़ाइए स्पीड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। तो फ्रेंड्स, ये आज सेकंड डे था प्रीति जी का। आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? आप सब भी सीख सकते हैं, और प्लीज कभी भी ये मत सोचिए कि कोई भी फेक वीडियो या कोई फेक वीडियो नहीं होता। ये मेरा सेकंड डे है, कल मेरा फर्स्ट डे था, मैं काफी वीडियो देख करके आई थी, इसलिए मेरा मुझे थोड़ा आइडिया। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला था? आपके चैनल लर्निंग टू ड्राइव। लर्निंग टू ड्राइव से। ओके, तो आपके घर के आसपास भी तो कई ड्राइविंग स्कूल है? हाँ है, लेकिन आपके वीडियोस देख करके लग रहा था कि इंप्रेस हो गए आप वीडियोस देख के कि हाँ इनसे सीखना चाहिए। थोड़ा ट्रेनर का फ़र्क होता है, हाँ वो होता है, बहुत सारी चीज़ें। देखिए, टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है, बगैर गुरु के ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास कॉल भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, और सीखने भी आते हैं बहुत दूर दूर से। आपने देखा होगा मेरी वीडियोस पे, पुणे से, नोएडा से, चंडीगढ़ से, पंजाब से लोग सीखने आए हैं, यहाँ पे रूम लेके सीखते हैं मेरे पास। तो ऐसा नहीं है, हम जैसे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जहाँ पे हमें बेटर होता है, तो ड्राइविंग भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, किसी की जान भी जा सकती है। तो आप कहीं भी सीखते हैं, आप पहले अपना टीचर के बारे में, ड्राइविंग स्कूल के बारे में, कि वो रजिस्टर्ड है, नहीं रजिस्टर्ड है, फर्जी तो नहीं है, जो सिखाने वाला है उसके पास कमर्शियल लाइसेंस है नहीं है, उसकी गाड़ी RTO अप्रूव्ड है नहीं है, और जो ट्रेनर है उसको नॉलेज है नहीं है, उसने डिप्लोमा कर रखा है नहीं कर रखा, उसको एक्सपीरियंस है मोटर लाइन का नहीं है, ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में कोई ये चीज़ कंफर्म नहीं करता है कि ड्राइवर के पास कमर्शियल लाइसेंस है नहीं है, गाड़ी उसकी रजिस्टर्ड है नहीं है, गाड़ी का इंश्योरेंस है नहीं है, और या जो ट्रेनर है वो ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही कोई सीख के और सिखाने लगा, उसको एक्सपीरियंस है नहीं है, ये सारी बातें ज़रूरी हैं। क्योंकि दिक्कत तब आती है आपको जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर एक्सीडेंट हो जाता है आप सीखने वाले हैं तो दिक्कत फिर आपको आ जाएगी। अगर कमर्शियल लाइसेंस उसके पास होता है तो उसको अथॉरिटी है सिखाने की, रजिस्टर्ड होता है तो कल को कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो कुछ बातों को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, बाकी लाइफ आपकी है, गाड़ी आपकी है, ज़िंदगी आपकी है, जैसा करेंगे अच्छा करेंगे। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। ये मुंशी पुलिया चौराहा है, यहाँ से लेफ्ट जाना है, ठीक है। गियर डाउन कर सकते हैं आप, सेकंड कर सकते हैं,
वेरी गुड, आराम से और स्लो कर लीजिए, सामने ट्रैक्टर है, इनका कोई भरोसा नहीं होता है, जाने दीजिए, छोड़ो, हल्का स्पीड मेंटेन कर लो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या था, अचानक दो लोग सामने आ गए थे तो इसलिए गाड़ी आपकी एकदम स्लो हो गई थी। अब पहले स्पीड मेंटेन करिए, हाँ पहले 30 तक लेके जाइए, फिर गियर डालिए, हाँ और स्पीड बढ़ा लीजिए। और वेरी गुड, अब 12 क्लॉक पे आपने रखा हाथ, वेरी गुड, क्लच दबा के सेंटर में, गुड, मक्खन की तरीके से गियर लगता है। सामने 200 मीटर पे कूड़ा पड़ा हुआ है रोड पे, आप अपना लेफ्ट दबा के निकालेंगे, राइट भी जा सकते हैं, साइड मिरर में देख के लाइन धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी सीख सकते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इसी तरीके से। कल सबसे पहला वीडियो प्रीति जी का ही शूट होगा, ताकि 15 डेज तक मुझे फॉलो करना है इनको, और 15 डेज में काफ़ी लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर एक स्टूडेंट की आप 15 डेज तक वीडियो बनाइए, कि फर्स्ट डे आपने उनको क्या सिखाया, सेकंड डे क्या सिखाया, थर्ड डे क्या सिखाया। ये भी मेरे स्टूडेंट हैं सामने जो खड़े हैं, ये पावर कॉर्पोरेशन में है, ये सीखे थे, इनका वीडियो अपलोड है, तो मौर्य जी हैं, स्पीड बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।